हम सब वापस डोम से आए एंड मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे लिए स्प्लिट्सविला मतलब आई वाज लाइक नाउ आई डोंट हैव अ रीजन टू स्टे मैं क्या करूं कर यार बस करना मैम हां स्टिल कांट बिलीव दिस मेरे बैग में वो मेरे लिए एक स्टोन छोड़ के गया जिसपे लिखा था आई लव यू जब हम वहाँ पे पांच लोग खड़े थे वो सर्चिंग फॉर अ स्टोन लाइक दिस सुनना जाके मिरर चेक करना है उसके पास रुका जब मैं वापस आई We were all very upset, especially Shruti. And suddenly, I don't know what happened. मैंने जाके देखा कि शगुन चिल्ला रहा था फहाद पे. अगर मैं जाना बेबा माँ बहन आंटी अंकल जिस मर्जी को बुलाऊं जब मेरी लड़की को तकलीफ नहीं है तो तुम्हें किस बात की मुझे कोई तकलीफ नहीं है रिपीट कर रहा हूं तेरे को बुरा क्यों लग रहा है नहीं आप मुझे बुरा लगता है मैं रिपीट करता नहीं मेरे को कोई किसी को कुछ भी बोलेगा मैं वो रिपीट कर सकता हूं नहीं मैं कर मेरे को नहीं समझा सकता नहीं ये हो फिर आइंदा से ये आएगा तो फिर अलग ही रूप देखेगा और किसी का के अंदर दम है और कितने तो रूप शगुन आप गिनते रहे आपके तो आपके तो 70 है मेरे जितने होंगे वो आप गिनते रहना ठीक है मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूं और कितने कोई 70 तो नहीं है कोई 70 बकवास मत करो लड़के लड़की से बात कर रहे हैं तभी से बात कर लड़की से बात कर तभी से बात कर 70 क्या होता है मेरे रूप में पूछे ना मैं उससे बात कर रहा हूँ ये बोल रही है तू बीच में आ रही है क्या हो रहा है जितने रूप है दिखाओ मैं दिखाऊंगा मुझे गिनने मेरे कान में दाग लग रही है 70 80 90 100 जितने धमकी वमकी मत दे ये बोल रहे हैं अपने पीछे से आओ नहीं आपके बोल के बात कर रहा है आपके बोल के बात कर रहा है उससे कोई किसी पे नहीं लड़ रहा है मैं जिसको दे रहा हूँ उसको दे रहा हूँ यार ये मत करो बना रहे फेमिनिज्म है अब ये मत करो लड़की को हम कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर सकते जिसे आप बात कर रहे हो शगुन मैं सिंपल पार्ट पार्ट भाई कल परफॉर्म करके दिखाएंगे मैं सिंपल बोल रहा हूँ ये दोबारा नहीं आएगा जिस दिन गेम खेलनी शुरू करी हमने आइडियल मैच हटा दिए इनका एक बंदा भी हटा दिया शुरू से बात खत्म और कह रहे हम डर गए भाई मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा शगुन वाज द वन हु वांटेड टू टेक रोम अरे शगुन अब भी वो कैसे श्रुति के साथ शगुन को अगर उसे अभी भी बस सही होता अगले 2 मिनट में कैसे लाइमलाइट चाहिए उसे वो करेगा वो कुछ नहीं करेगा तुम मत बोलो कि वो ये वही करेगा जो तुम बोल रहे किसी की साइड लेगा वो अपना सोचता है बस संयुक्ता नहीं गई उसकी भी भरपाई कहीं ना कहीं शगुन ने पूरी कर दी थी क्योंकि वो आइडियल मैच नहीं रहते तो इन ऑल की डोम सेशन हमारे लिए बहुत मेरे और फहद के लिए तो बहुत ही सक्सेसफुल रहा और अच्छा रहा जब हम सुबह सोकर उठे हैं अनुष्का के दिमाग में कुछ टेंशन चल रही थी कल को लेकर कि हम दोनों अब आइडियल मैच नहीं रहे हैं तो कहीं मेरा आइडियल मैच महक तो नहीं मेरे को बहुत वियर्ड फील हो रहा था क्योंकि स्प्लिट्सविला में ऐसा पहली बार है कि मैं उठी और मैंने रोहन से गुड मॉर्निंग नहीं सुना है एंड बहुत ऐसा खाली खाली सा लग रहा था समझ नहीं आया था तभी स्क्रॉल आया हेलो स्प्लिट्सविलेंस गेट रेडी फॉर योर नेक्स्ट बेवॉच सेशन एंजॉय योर एलो फ्रूट जूस ड्रिंक देम क्योंकि ये हेल्दी है और इसमें एलोवेरा है चीयर्स गाइस
Splitsvillains, this is Oppo MTV Splitsvilla 11. Jay, something's wrong here. Kya hua? Rohan is gone. Yes. Rohan was dumped yesterday. I actually want to say something on that note. Haan ji, boliye. Main Shruti se kehna chahta hoon. Main, Shruti, I know that Rohan's gone and main shayad chaake bhi Rohan ki jagah nahi le sakta. But definitely hum log saath mein perform karte aaye hain. And you've been a dear friend all this while. और जैसा हमने बोला है कि दोस्ती प्यार है और प्यार दोस्ती है, right? संयुक्ता और शगुन ने हाथ पकड़े हुए। हाथ तो पकड़ ही सकते हैं सर। We are just noticing it. Very nice. उन्होंने तो बहुत clearly बोल दिया था कि वो प्यार करते हैं मेरे से, but लड़कियां बैठेंगी एक जगह और वहां पे उनके साइड में लीचीज है. When you eat a लीची, उसके अंदर एक सीड होता है. उस सीड को वो, you know, you play pong. It's gonna be leech pong. जिसने भी पहले तीन कर दिए, you can move on to the next stage. पहले जो दो लड़के डेफिनेटली एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं,
Which boy wants to go against which boy? I'll go against Kabir. I was going up against Gaurav. बहुत चीजें दिमाग में थी. I knew that I had to give my best and उसको नीचा दिखाना था basically. और शगुन और सिम्बा? Sir. You'll go against each other? Yeah. Very good. तो बहुत बोलते हैं जब से मैं आया हूँ मैं इसको चैलेंज में हराना चाहता हूँ सो बेबी यू हैव योर अपॉर्चुनिटी नाउ. अब देखते हैं कौन इसको हराएगा. राइट बेस्ट ऑफ लक. कॉम्पिटिशन काफी डिफिकल्ट होने वाला था क्योंकि लड़कियां थी 6 और लड़के थे सिर्फ 4. तो पहला राउंड था बिटवीन गौरव एंड कबीर. कबीर के लिए जो जो लड़कियां भाग रही थी वो थी अनुष्का, आरुषि हांडा और मैं. और गौरव के लिए जो लड़कियां भाग रही थी वो थी श्रुति, संयुक्ता और मायरा. ऑलराइट बॉयज, 3, 2, 1 गो. ये कबीर, कम ऑन, गो कबीर. कबीर किधर जा रहा है? उल्टा जा रहा है, क्या कर रहा है? गौरव काफी सीधा सीधा आया और लेकिन कबीर ऐसे आया और उसने आते ऐसे यू टर्न सा ले लिया पीछे को. वो खुद शॉक में चलेगा कि मैं इतना प्यारा रोल हुआ पर ये क्या हो गया. All right, both the boys stand. Girls. ऑलराइट, एक तरफ गौरव को टच किया श्रुति ने.
ये अगर नहीं जीते तो भाई हमारी बेइज्जती बहुत गंदी होने वाली है। तीन चार छील फोकस ऑन फोकस। Chair, you want to rest? You can always tell her. मैंने लीची खाया and मैंने फेंका and I was like, oh, almost. नहीं गया यार। Aim it into it, it'll be easier. हाँ ना धीरे कर, देख के aim करके।
I got so pissed off. The elbow was so good. दिल को सुकून मिला देख के कि मैं है तो यार तो चुम्मी ले ले मुझसे. ध्यान से फेंक. सैम रिलैक्स. आई लाइक इट. मैं शेयरिंग अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम कबीर एंड अनुष्का. सैम अपनी गेम पे ध्यान दे. कम ऑन यू विन इट. चलो 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 एम करके मारो. मैं देखो सोचो फिर मारो. क्या होगा वैसे डाल. एकदम से मेरा थर्ड लीची का सीड भी अंदर चला गया एंड आई वाज सो हैप्पी. और उसके बाद तो मुझे करना ही करना था एंड दैट इज व्हेन आई एक्चुअली कॉम्ड माय सेल्फ डाउन एंड आई वाज लाइक ओके सैम
अभी भी कर सकती है तो चल। फोकस फोकस। थैंक गॉड अंदर चला गया। आई वॉज रियली रियली हैप्पी। ऐसे दोनों आगे पहुंचे, दोनों ही जाएगा बना रहे थे। वी वर लाइक कौन बनाएगा जल्दी, कौन बनाएगा पता ही नहीं चल रहा था। चल साथ में उठा सैम, जल्दी जल्दी साथ में। सैम जल्दी। डूइंग रियली नाइस। गुड 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 मैं गुड। इट्स क्लोज। फटाफट मैं जल्दी 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 जल्दी। कम ऑन यू गाइस, कम ऑन सैम, फास्टर 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 फास्टर। कम ऑन सैम। जेंगा का अगर महक एक लेवल लगा रही है तो जैसे ही वो लेवल ख़त्म करती है संयुक्ता वो लेवल पूरा कर लेती है, तो इनका बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा था। सिम्बा बस थोड़ी देर और। यू डूइंग रियली नाइस गाइस, वॉच इट, वेरी गुड। सैम क्विकर, यू कैन लीव इट 5 सेकंड्स। 1 2 3 4 5 डन। ओके टेक इट ऑफ, टेक इट ऑफ। हमारा उन दोनों से जेंगा टार पहले कंप्लीट हुआ। सिम्बा जल्दी से खड़े हुए और मैं उनकी पीठ के ऊपर चढ़ गई। I did feel bad क्योंकि back to back fifth loss. Gaurav and Simba looking beautiful. How would you, as this avatar, walk on a red carpet? Come in. How would Anushka do it? Okay, let's do how would Anushka do it. Correct कर ले भाई, बहुत लाज पड़ी। अरे hold your waist, shoulders down. If you were an avatar of Anushka, how would you do? That's exactly how she walks. Like this, she walks like this. Back straight, butt up. अरे and shoulders. Looks like a bodybuilder.
जब हम विला में वापस आते हैं तो मुझे पता चलता है कि अनुष्का मैडम को मुझे फैट बुलाया उसने मुझे। ब्रो दिस फैट इज, मुझे इतना गुस्सा आया। फैट तू अपने खा के आई हूँ ठीक है, अपने खाती हूँ। फैट तू जस्ट लो तो तू है फैट। फैट तू फिर भी तुझसे ठीक गई हूँ। आज चले अराउंड मी। फैट होने के बाद भी भाग ली। कुत्ते भौंक रहे हैं, मुझे आवाजें आ रही है बहुत जोर जोर से। हक दिया आपने आज की परफॉर्मेंस में। भाई बीच तुमसे गिराई नहीं जा रही थी, बंदे ने तो अच्छे से परफॉर्म करा। भाई क्या चाहती थी, एंड रिजल्ट क्या है? बीच तू गिरा नहीं पाई। और हरा के तुम्हें दिखा के मार दी, परफॉर्म करके मार दिखा दिया रे। परफॉर्मेंस की बात थी, परफॉर्म मैंने करा और दिखा दिया। कौन जीता? परफॉर्म मैंने कर रहा था, परफॉर्म मैंने कर दिया और दिखा भी दिया मैंने। तेरी इंग्लिश से एक तो पहली निकाल दो, आधी अंग्रेजी तो तेरी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ऊपर से तो मुझे फैट आ रही है। मैडम हु द हेल यू आर, तूने किया क्या है? भाई बीच तो नहीं सकी हांडा। एक फैट वर्ड को इतना बड़ा डील बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। इट्स जस्ट दैट द होल विला वाज अगेंस्ट कबीर एंड आई एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अभी वो तेरे घर का कौन है? बॉडी वर्ड मुझे लगता नहीं है कि अनुष्का को कोई फर्क पड़ता है कि पूरा विला उनके अगेंस्ट खड़ा है। हर वॉइस इज सो अनोइंग, वो चिल्लाई जा रही है, बार बार बोले जा रही है, ऊपर से हमें और इतना गुस्सा आ रहा है, हम उल्टा सुना रहे हैं। खूबसूरत बॉडी है इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को बोलो। टास्क के बारे में बात ही नहीं कर रहे, बॉडी शेमिंग के बारे में बात कर रहे हैं। वो चार लड़कियां अकेले अनुष्का के ऊपर चढ़ गई थी एंड दे वर ऑल गैंग अप अगेंस्ट हर, एंड इस बात का मुझे बहुत बुरा लग रहा था। ऑल आई एम सेइंग इज this is a reality show, there are things that are said much worse, using such a small thing like a word like a fat which is a slang and such a big topic. It's not a small thing. Agar tu mota hota aur agar tujhe koi aake bolta, tera hormonal issue ho sakta hai, tera kuch bhi issue ho sakta hai, aur agar people are in depression because of that, kill themselves because people call them fat, and there are people out there. And Kabir listen, Kabir maine bahut acche se bola usko, ek second I'm just saying that तो तुम लोग को टारगेट करना है। पूरा चेस्ट ऐसे मार मार के, ऐसे शोल्डर मार मार के आ रही थी, और मैंने उसको एक बात बोल दिया कि अगर मैं उसको मारती तो वो सच में टुकड़े टुकड़े हो जाती वहीं पे। Yes, I did call you fat. If you are so much problem with you being called fat, you shouldn't be here. इतना गुस्सा आ रहा था। आई वॉज लाइक ये तेरी फालतू की अकड़ है। आई वॉज लाइक मैं आज इसका मुंह तोड़ दूंगी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि सारे के सारे उसके ऊपर चढ़ गए हैं अकेले। अगर हिम्मत होती तो कोई अकेला आता उसके सामने। तेरी मारने की ठीक है, हर कुत्ते का दिन आता है। आई वाज लाइक टुडे यू गाइस आर टेकिंग माय केस, टुमारो आई विल टेक योर केस। सिंपल।